दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग लालबाग के राजा के दर्शन करने के बाद आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। चर्च गेट तक लोकल से आए और चर्च गेट से टैक्सी करके हम यहां आए। टैक्सी में 63 रुपये का भाड़ा दिया और लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी थी चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया की। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुंबई का ताज होटल ताज, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। एक बड़ा आकर्षण है, बड़ा अट्रैक्शन है मुंबई का। और यहाँ यदि आपको समुद्र की सैर करनी है तो आप एलिफेंटा जा सकते हैं, जिसमें आपको 260 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे और साथ ही 4 घंटे का समय आपको चाहिए, 1 घंटे जाने का, 1 घंटे आने का और 2 घंटे का समय वहाँ स्पेंड करने के लिए आपको मिलेगा। गर्मी हो रही है, चिलचिली गर्मी है, चिपचिपी गर्मी, इस गर्मी में हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं एलिफेंटा तक जाने की। तो हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको समुद्र और दिखा दूँ, गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे और होटल ताज को देखेंगे, उसके बाद समुद्र देखते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भारत में घूमने आए हुए थे। उनकी स्मृति के रूप में मुंबई बंदरगाह पर 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण प्रारंभ हुआ। हालांकि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी गेटवे ऑफ इंडिया का मॉडल ही देख पाए थे, क्योंकि यह 1924 में बनकर तैयार हो पाया था। यहां आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया देखने की कोई एंट्री फीस नहीं है और यहां दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता, तांता लगा रहता है। उन लोगों देसी विदेशी सभी तरह के पर्यटक जो भी बॉम्बे घूमने आता है गेटवे ऑफ इंडिया जरूर आता ही है। ₹26 मीटर की ऊंचाई के साथ गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया पीले बेसाल्ट और कंक्रीट के साथ बनाया गया था। स्मारक के केंद्रीय गुंबद का व्यास लगभग 48 फीट है, जिसमें 83 फीट की कुल ऊंचाई है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए थे उनमें आतंकवादियों का प्रवेश द्वार यही रास्ता रहा था, यही अरब सागर के रास्ते उन्होंने प्रवेश किया था मुंबई में और ताज होटल और अन्य स्थानों पर हमले किए थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ब्रिटिश सेना ने इसी रास्ते को चुना था यूरोप जाने के लिए, यहीं से ब्रिटिश सेना यूरोप को गई थी। फोटो वोटो खींचने का बड़ा अच्छा स्थान है गेटवे ऑफ इंडिया। होटल ताज के साथ लोग फोटो खींचते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के साथ फोटो खींचते हैं और शूटिंग भी कर रहे हैं, लोग फोटो भी खींच रहे हैं। अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज के साथ लोग फोटो सेशन भी करते हैं, फोटो शूट करते हैं।
सर यहाँ से एलिफेंटा के लिए चलते हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हैं, शाम को 3:30 बजे का लास्ट रहता है जाने के लिए। अच्छा। और आने के लिए वहाँ से 12 से स्टार्ट होता है, शाम के 5:30 बजे तक वहाँ से वापस आ सकते हैं। कितना समय लगता है एक ट्रिप में? 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए और 2 घंटा घूमने के लिए। क्या टिकट है प्रति व्यक्ति? 260 रुपये रिटर्न। 260 रुपये प्रति व्यक्ति। और क्या है वहाँ का विशेष आकर्षण एलिफेंटा का? एलिफेंटा गुफा है, गार्डन है और शॉपिंग सेंटर है। ठीक है। और ये मुंबई दर्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुंबई दर्शन के लिए आपको दोनों ये पता है, गेट ऑफ इंडिया से मुंबई दर्शन के लिए हमारी बसेस निकलती है। ठीक है। मुंबई सफारी नाम कंपनी हमारी। अच्छा। 250 रुपये इसका टिकट होता है। ठीक है। कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप, कितने स्पॉट्स हैं? टोटल 30 स्पॉट घुमाते हैं। 30 स्पॉट्स हैं। यस, ये पूरे स्पॉट्स है बॉम्बे सफारी के। इसमें दिखा दीजिए क्योंकि वो उसमें पूरे लिस्ट है हमारी घूमने की। ये 30 जगह आप घुमाते हैं? जी हाँ। अच्छा। इस 30 जगह में से आपको 14 जगह है जो गाड़ी में से उतर के देखने होते हैं। अच्छा। जैसे कि गेट ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है। वहाँ पे आपका बोटिंग क्लब चलता है, म्यूजियम जाएंगे, आर्ट गैलरी, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, हैंगिंग गार्डन, गुलघर, कमलालय रूपा, महालक्ष्मी का मंदिर, अज्याली, सिद्धि विनायक। अभी जो गणपति का सीजन इसके लिए नहीं दिखाया जाएगा अंदर से। अच्छा। बाकी जगह आपको अंदर से देखने मिलता है सिद्धि विनायक। अच्छा। उसके बाद आपका झूबी, ये जो 14 पॉइंट है आपको गाड़ी में से उतर के देखना है। और बाकी के 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट है वो आपको बाहर से दिखाया जाता है इसके लिए, की जो बिल्डिंग है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है बॉम्बे के। और कितना समय लगता है इस यात्रा में? ये सुबह हमारे सबसे पहली बस 11:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक घुमाएंगे। 11:30 से 7 बजे। 250 रुपये फेयर टिकट है। 250 रुपये फेयर है नॉन एसी बस। और एसी बस में जाना है तो 400 रुपये टिकट है। अच्छा। गेट ऑफ इंडिया से आपको यहीं से मिलेगा। हाँ। और आपको ड्रॉपिंग भी यहीं पे होगा। यहीं ड्रॉप करेंगे, यहीं से पिकअप करेंगे। पिकअप पॉइंट गेट ऑफ इंडिया होता है, ड्रॉपिंग गेट ऑफ इंडिया होता है। अच्छा। और ये एक ही बस चलती है आपके, मतलब 11:30 से स्टार्ट करते हैं और आगे शुरुआत होती है सबसे पहली बस। हाँ। उसके बाद 12 बजे 12:15 की लास्ट बजे 3 बजे उसके बाद फिर आगे। इसके बाद जाके मतलब समय ज्यादा लगता है इसलिए इसके बाद जाके मतलब नहीं। तो दोस्तों ये थी गेटवे ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और बड़े खूबसूरत व्यूज़ गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।